पिछले अटेम्प्ट में हमारे 500 से ज़्यादा बच्चों ने सीए इंटर पास किया था और आप विश्वास मानेंगे 300 से ज़्यादा ऐसे बच्चे थे जो कहीं और ऑफलाइन कोचिंग ले रहे थे, फेल हुए। उसके बाद ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी उन्होंने ज्वाइन किया था। आज मैं आपके सामने खड़े होकर के इतनी बात कह पा रहा हूँ तो क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझे आत्मविश्वास है कि हाँ हमारे कंटेंट के अंदर कितना दम है, हमारे टीचर्स के अंदर कितना दम। आप देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, आप दूसरों को कॉन्फिडेंस देना शुरू कर दें, क्योंकि दूसरों को तो वही कॉन्फिडेंस दे सकता है ना जिसके अंदर खुद कॉन्फिडेंस है। देखो, जब आप अपना स्टडी शेड्यूल बनाते हो या मैं कहूँ अपनी पढ़ाई के लिए आप रोज का टाइम टेबल बनाते होगे, काफी बच्चे की ना एक कंप्लेन रहती है कि साहब कब रिवीजन करें, कब टेस्ट दें और कब जो है कंटेंट करें, हमें समझ में ही नहीं आता। हम टेस्ट देने बैठते हैं तो पूरा टाइम उसमें निकल जाता है, कंटेंट करने बैठते हैं तो उसमें निकल जाता है, रिवीजन करने बैठते हैं तो उसमें निकल जाता है। हम पढ़ते तो हैं, हमें डे एंड में खुद ही नहीं पता होता हमने क्या पढ़ा। कितने बच्चों के साथ ये होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं टाइम टेबल बताऊं आप लोगों को, ये तो कहीं से भी सही नहीं है क्योंकि हर बच्चे का एक अपना लेवल होता है, लेकिन मैं आपको कुछ गाइडलाइन दे सकता हूं जो आपकी शायद बहुत ज़्यादा हेल्प करे। क्या देखो, सबसे पहले जैसे आपको आज पता लग गया कि भाई रोज अपने को एक टेस्ट देना ही दे रहा है, तो टेस्ट के लिए 1 आवर सेट असाइड कर दो कि रोज 1 घंटे, चाहे मॉर्निंग में चाहे आफ्टरनून में चाहे इवनिंग में, कि रोज साहब अपने को 1 घंटा तो टेस्ट देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 1 घंटे का टेस्ट देना है तो साहब रिवीजन भी करनी पड़ेगी, यस और नो, बिना रिवीजन के थोड़ी ना होगा। तो 2 घंटे आपको जो है रिवीजन के लिए भी सेट असाइड करने पड़ेंगे। 3 घंटे अपने रोज के फिक्स कर लो। इससे क्या होगा 3 घंटे फिक्स करने से, कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है, उसकी जो है आप लोगों की आराम से तसल्ली बख्श जो है वो रिवीजन होती रहेगी। तो एक ना दिमाग में कहीं ना कहीं 10-12 दिन बाद शांति आनी शुरू हो जाएगी कि यार एटलीस्ट चल जो पढ़ा है वो तो आता है, उसको मैं जब भी खोलूंगा तो मुझे 10, 15, 20, 25 मिनट में याद आ जाएगा। तो टेस्ट को डेली 1 घंटा और रिवीजन को 2 आवर्स, 3 घंटे जो है इस चीज को आप लोग फिक्स कर दीजिए। और जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं वो इस टाइम को बढ़ा करके जो है वो 5 घंटे तक ले जाएं, क्योंकि मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि उनका काफी हद तक जो है सिलेबस ऑलरेडी हो चुका होगा, और नहीं हुआ तो फिर बोथ ग्रुप क्यों दे रहे हो, है एक ही ग्रुप दे लो, ठीक है। रेस्ट ऑफ टाइम जो है आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि भाई 70% सिलेबस और जो मिनिमम चैप्टर्स मैंने आपको बताया कि ये आप करिए, सबसे पहले अब आपको जो है उनको करने पे फोकस करना है। एकदम पूरा यू टर्न मार दो। जैसा आपको बताया है कि भाई 70% वाली थ्योरी की हर सब्जेक्ट का सबसे पहले 70% लाना है और कुछ मिनिमम चैप्टर्स करने हैं, वो जो है आप सबसे पहले अब आ जाओ कि मेरे को जो है सबसे पहले इसके ऊपर अपनी सारी की सारी शक्ति लगानी है, मुझे जो है इसके अलावा अभी कुछ भी टच नहीं करना। देखो एक चीज को समझिए, जो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी है ना, ये हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो 100% ऑनलाइन है। हमारी कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलती, 100% ऑनलाइन, और ये इकलौता है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो 100% ऑनलाइन हो। उनके पास, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के पास ऑनलाइन से भी पैसा आता है, ऑफलाइन से भी आता है, और वहां पर उनकी 90% पैसा जो है ऑफलाइन से आता है। तो वो इन बच्चों को बहुत ध्यान से देखते हैं, इनको करते हैं इग्नोर, वो इनको इग्नोर करके चलते हैं, और ऑफलाइन के अंदर बच्चा सामने होता है उसे समझा देते हैं। 100% ऑनलाइन होने के नाते ना ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी पे बहुत दबाव है। दबाव क्या है कि भाई मैं बच्चों को कितना ही बोलूं, अगर मेरे बच्चे का एंड में रिजल्ट नहीं आया, भाई बच्चा ना सिर्फ एक चीज याद रखता है कि वो पास हुआ या वो फेल हुआ, और कुछ नहीं याद रहता उसे। ऑनलाइन में सिर्फ एक चीज याद रहती है, उसे पास हुआ या फेल। भाई ऑफलाइन के अंदर क्या है कि टीचर ने मेरे से हंसी मजाक किया, मेरे से मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी सॉल्व कर दी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, कनेक्शन बन जाता है। ऑनलाइन में ड्रामे नहीं होते। ऑनलाइन में होता है कई बार तो ऐसा हो जाता है बैच के बैच निकल जाते हैं और बच्चे को यही नहीं पता होता कि क्या बोलते हैं वो कौन सी वेबसाइट पे आ रहा था सही से, क्योंकि एक बार उसने ऐप लॉगिन कर ली, बार बार उसे खोलता है और उसे मतलब उसे लिटरली याद नहीं रहता कि ऐप कौन सी लॉगिन वो कर रहा था, क्योंकि सीधे वो उसे खोलता है, कभी चेक ही नहीं करता। यहाँ पर जो है सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है, पास या फेल, और इस वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भैया अगर हमारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, अगर ऑफलाइन के अंदर दूसरे कोचिंग्स का रिजल्ट 20% आ रहा है और मेरा रिजल्ट अगर बच्चों का कम से कम 60% नहीं आया, 80% नहीं आया, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। और 4 साल हो गए आज, पिछले अटेम्प्ट में हमारे 500 से ज्यादा बच्चों ने सीए इंटर पास किया था, और आप विश्वास मानेंगे 300 से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जो कहीं और ऑफलाइन कोचिंग ले रहे थे, फेल हुए, उसके बाद ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी उन्होंने ज्वाइन किया था। क्यों वो ये पास हो पा रहे हैं, क्यों हम ऑनलाइन के अंदर भी सबसे बेहतरीन रिजल्ट दे पा रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इकलौता कारण है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारी जो टेस्ट है और हमारी पूरी ग्रूमिंग टीम के जो इतने एक्सटेंसिव एफर्ट्स हैं। अब हम जो है अपना बैच 75 शुरू करने जा रहे हैं। ये क्या है बैच 75? ये आखिरी उम्मीद है, ये समझो आखिरी किरण है। इसको भी छोड़ दिया तो फिर समझ लेना हो ही नहीं सकता सीए इंटर। ये बैच 75 कब से शुरू हो रहा है? इसके लेक्चर जो है वो आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे 15 जनवरी से। 15 जनवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी के बीच में आपको जो है इसके सारे के सारे लेक्चर्स जो है अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसमें हम आपको क्या करेंगे, हम इसमें आपकी हर सब्जेक्ट की लगभग 50 घंटे की क्लासेस रखते हैं, हर सब्जेक्ट की, और 75% कोर्स आपका करवाते हैं और बोलते हैं जा ये 75% कोर्स करके जा तू बस और पास हो जाएगा। ये वो है बैच 75 से बैच 75 मतलब 75% कोर्स और लगभग 50 घंटे में करा देते हैं हर सब्जेक्ट का। और साथ में इसके बैच 75 के अलग से टेस्ट भी लिए जाएंगे, जो दे रखे हैं वो अलग और ये अलग होंगे। तो ये आखिरी उम्मीद है। अभी अगर आपका कोई सब्जेक्ट पेंडिंग है, जो भी आपने नहीं किया है, बिल्कुल शुरू ही नहीं किया है, उसको आप बैच 75 से कर लो। जो आपने शुरू कर दिए हैं लेकिन उनकी हालत आईसीयू वाली है, सीसीयू वाली है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है सब्जेक्ट आपके, सबसे पहले उनके टेक केयर करो और 15 जनवरी से पहले पहले उनको जो है डिस्चार्ज करवा करके अपने घर ले आओ, मतलब अपनी ग्रिप में ले आओ। और जो सब्जेक्ट अभी तक आपने शुरू नहीं किए हैं उसके लिए आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ बैच 75 ज्वाइन करो। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत। हमारे टीचर्स एडी से चोटी तक का दम लगा देंगे और लगाते हैं, हर बार लगाते हैं। इंडिया की सबसे टॉप और बेस्ट फैकल्टी जो दिन में आपके लिए 18-18 घंटे मेहनत करती है, वो बैच 75 लेगी। और जब वो पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा, खुद लगेगा, यार इस टीचर ने जो 2 मिनट के अंदर बात बता दी वो तो मुझे दूसरे कोचिंग के अंदर 20 मिनट में भी नहीं पता लगती थी, वो मेरा कितना समय वेस्ट करते थे। आपको बैच 75 की एक भी क्लास नहीं छोड़नी। आपको बैच 75 के अंदर जो हमारी रिस्पेक्टेड फैकल्टी इतने एफर्ट्स मारेंगे, सिर्फ उन एफर्ट्स के भरोसे अपनी मेहनत करनी है, अपनी तैयारी करनी है। और जैसे जैसे वो आपको गाइड करेंगे कि अब टेस्ट देना है, परफेक्ट प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चन करने, सिर्फ और सिर्फ वो करना है, आप देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, आप दूसरों को कॉन्फिडेंस देना शुरू कर देंगे, क्योंकि दूसरों को तो वही कॉन्फिडेंस दे सकता है ना जिसके अंदर खुद कॉन्फिडेंस हो। आज मैं आपके सामने खड़े होकर के इतनी बात कह पा रहा हूं तो क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझे आत्मविश्वास है कि हाँ हमारे कंटेंट के अंदर कितना दम है, हमारे टीचर्स के अंदर कितना दम है। सिर्फ जो आपको बताया कि 70% करो, ये करो, जो कर लिया अच्छी बात है, जो नहीं किया पहले ये कर लो, जो सब्जेक्ट हाथ नहीं लगाया उसे बैच 75 से कर लो। अभी भी कोई बच्चा किसी गलत कोचिंग के अंदर कहीं गलत जगह फंस गया है तो आंख बंद करके हमारे उस सब्जेक्ट के अंदर एनरोल हो जाए जिसमें उसको प्रॉब्लम आ रही है, सब में ही दिक्कत हो रही है उसको, तो पूरे ग्रुप में एनरोल हो जाए। कोई सब्जेक्ट उसने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं लेकिन उसके उसे क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे क्या करने हैं, तो परफेक्ट प्रैक्टिस कर ले, वो भी सेपरेटली अवेलेबल है। और एक चीज, अगर आपके पास टेस्ट देने का सोल्यूशन नहीं है ना, तो फिर तो मैं ये कहूंगा कि आप आंख बंद करो, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 3.0 में एनरोल हो जाओ। उसके पीछे कारण ये है कि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपकी जो कहानी है वो पूरी नहीं हो सकती। सिर्फ 15 दिन आप टेस्ट दो, और अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप 100% मनी अपनी रिफंड ले लो। आपको लेकिन एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी कि 15 दिन में 15 टेस्ट देने पड़ेंगे। आपके अंदर अगर अंदर से नहीं आया कि मैं पास हो जाऊंगा तो आपसे नो क्वेश्चन आस्क आपको 100% अमाउंट रिफंड कर देंगे। लेकिन 5, 7, 10, 12 हजार रुपए के लिए अपनी जिंदगी के कीमती 6 महीने दांव पर ना लगाएं। मैं तो सिर्फ आपको एडवाइस कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता।